गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज का जो आपकी क्लास है वो है इंग्लिश, और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे चैप्टर द पावर ऑफ प्रेयर। ये जो चैप्टर है वो APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। सो हम स्टार्ट करते हैं, उन्हीं की जर्नी है ये। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में रामेश्वरम में हुआ है। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर much formal education nor much wealth. Despite this disadvantages, he possessed great initiate wisdom and a true generosity of spirit. जो मेरे पिताजी हैं उनके पास ना तो काफ़ी ज़्यादा हायर एजुकेशन थी और ना ही काफ़ी ज़्यादा मनी थी। फिर भी इतने नुकसान के बावजूद भी उन्होंने क्या करा, उनके पास में काफ़ी सारी जो एजुकेशन थी वो थी, और वो काफ़ी काइंडनेस किस्म के बंदे थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा। जो मेरी माँ थी आशी अम्मा, वो एक क्या थी, आइडल थी उनके लिए। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फैड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर ईट विथ अस देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर ऑन फैमिली पुट टू गैदर। मुझे उन लोगों की ढंग से तो पता नहीं है कि वो कितने लोग थे, बट जिन्हें वह हर दिन खाना खिलाती थी, लेकिन इस बात का पूरा यकीन है या ये मुझे कंफर्म है कि मैं अपने जो फैमिली है उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनका कंपैरिजन बाहर वाले लोगों के कंपैरिजन के साथ कर सकता हूँ, ये कह रहा है। माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडल कपल। और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो एक क्या है, आइडल कपल है या आदर्श कपल है। माई मदर्स लाइनेज वॉज द मोर डिस्टिंग्विश्ड वन ऑफ हर फॉरबियर्स हैविंग बीन बेस्टॉड द टाइटल ऑफ बहादुर बाय द ब्रिटिश। जो मेरी मम्मी थी वो क्या थी, काफ़ी फेमस थी, और उनकी एक भविष्यवाणी होती है, वो अंग्रेज़ों ने बहादुर के नाम से, मतलब उन्हें अंग्रेज़ों ने जो ब्रिटिश थे उन्होंने किस नाम से उनका क्या नाम रख दिया था, बहादुर नाम रख दिया था। आई वॉज वन ऑफ माई चिल्ड्रन, मैं उन बच्चों में से एक था। ए शॉर्ट बॉय, एक छोटा सा लड़का, विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टेल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जिसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्टरल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th century। 19th century में जो मेरा पैतृक घर था हम वहाँ पर रहते थे। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। और एक पक्का जो घर था वो रामेश्वरम में एक मस्जिद थी उसके पास में और किससे बना हुआ था, चूने पत्थर ईंट वगैरह से बनाया हुआ था। माय अस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। जो मेरे फादर थे उन्हें ये जो लग्जरीज हैं और ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, तो वो इन चीज़ों से दूर रहते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड मेडिसिन और क्लॉथ्स। और जो फूड व मेडिसिन और जो क्लॉथ थे वो ही उनकी सिर्फ नीड्स थे। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मैटरली एंड इमोशनली। वास्तव में मतलब मैं ये कहूँगा कि जो मेरा चाइल्डहुड था या मैं जब छोटा था तब क्या था, मैं काफ़ी मैटरनली और इमोशनली दोनों ही तरह से मैं सिक्योर था। सो आज का हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है।